नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश हिमाचल प्रदेश के युवाओं के उत्साह और कौशल से लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह भाजपा की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह इसे और प्रोत्साहित करे। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की मंडी में पटदल मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा रैली को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना भाजपा की शीर्ष प्राथमिकता रही है। सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक समारोह में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक फलक फातिमा और जमशेदपुर स्थित करीम सिटी कॉलेज के निखिल कामती को भी पुरस्कार से नवाजा गया। मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। समारोह के दौरान कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। वृक्षारोपण किया, रक्तदान भी किया, पोक्सो एक्ट तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन पर जागृति जगाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया इत्यादि सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाई। सुश्री फलक फातिमा, एनएसएस स्वयं सेवक। स्वयं सेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इन्हें पुरस्कार में रजत पदक, प्रमाण पत्र तथा 1,00,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले विश्वविद्यालय तथा उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार डॉक्टर आर रमेश, कार्यक्रम समन्वयक, अन्ना विश्वविद्यालय। जरूरतमंदों को भोजन तथा कपड़े वितरित करके संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। आप विभिन्न सरकारी लोक हितकारी योजनाओं की अलख जगाते रहे, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। इस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार और फाउंडेशन के अधिकारियों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह IT कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी भी कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आपसी समन्वय और सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है। इस विश्वविद्यालय के स्थापना से राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड दौरे के आज अंतिम दिन राजधानी रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इससे पहले श्री वाजपेयी ने भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया और निर्भया अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन वाले मरीजों के बीच चश्मों का वितरण किया। प्रदेश प्रभारी ने आरोग्य भवन में पद्मश्री अशोक भगत से भी मुलाकात की। मंथन हुई, बैठक हुई, दौरा भी हुआ कई क्षेत्रों का, क्या कुछ देखने समझने को मिला? कोई मंथन नहीं, कोई बैठक केवल परिचय की बैठक, कोई मंथन अभी पहले राउंड में नहीं। पहले राउंड में तो कार्यकर्ता से रूबरू हुए, कार्यकर्ता को से खुद को भी रूबरू, उनसे भी हम रूबरू हुए। इसके अलावा आज भी जो ये बैठक थी, केवल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों के संयोजकों के साथ परिचय की बैठक थी। उपराजधानी दुमका में आयोजित भाजपा ST मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में आज दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ाव के कई टिप्स भी दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में 738 जगहों पर एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जा रहे हैं। इससे आदिवासी समाज के बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज रांची के कोकर क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान में शामिल हुए। श्री सेठ निरामया हॉस्पिटल भी गए और मोतियाबिंद मरीजों के लिए आयोजित चश्मा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सेठ ने नमो टॉय बैंक से पुंदागी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 100 से अधिक खिलौने बच्चों को दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों और सेविका से संवाद भी किया। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,912 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,719 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 44,436 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 29 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,17,42,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के किशनगंज में बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश सशस्त्र बलों की भूमिका को भूल नहीं सकता। नक्सलवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड और बिहार में यह समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। एसएसबी के जवानों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है और इसी का सुफल आज यह है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है, कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की प्रगति में किसानों, श्रमिकों और वंचित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के योगदान को रेखांकित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि सरकार की विभिन्न पहल गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत की और भारतीय की पहचान अलग है। आज के दिन एक सपना है, श्रेष्ठ भारत, और उस सपने का एक आधार है वी वर दी बेस्ट। हजारों साल पहले जाएंगे, आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर कल्चर, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड। हम उस ओर अग्रसर हैं। निर्वाचन आयोग ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें चुनाव संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी जो सुविधाएं होती हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से एक कंप्लेंट सीबीजेट पर डाल सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। वो फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और जैसे ही वो उसको लोड करेंगे उनका
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सारे के सारे ऑटोमेटिक ये मोबाइल ऐप कैप्चर कर लिया। तो अगर उन्होंने कहा कि किसी जगह में शराब दी जा रही है, किसी जगह में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी जगह में कोई फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या किसी जगह में पोलिंग पार्टी निर्धारित रास्ते पे नहीं जा रही है, किसी जगह में मशीन के साथ कुछ हो रहा है, तो आप इमीडिएटली ये फोटो लीजिए, इमीडिएटली एक वीडियो बनाइए या शिकायत हाथ से लिखिए, उसको फोटो खींच के अपलोड करिए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में बोकारो जिला बेहतर काम कर रहा है। इसके दूसरे चरण के लिए जिले के जनजातीय बहुल चंदन क्यारी प्रखंड की 5 पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इन पंचायतों में हुए अभिसरण खर्च में बोकारो राज्य भर में पहले स्थान पर है। ग्रामीण शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज जमशेदपुर के 12 द्वारी स्थित पीपुल्स एकेडमी में मुखियाओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती बरेलिया भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक के जरिए जिले के सभी मुखियाओं से कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के बच्चों को स्कूल भेजने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई। ये सुझाव था कि हम लोग पंचायती चुनाव के बाद माननीय मुखिया का सम्मेलन करें, उनसे संवाद करें। शिक्षा विभाग में प्राथमिक से लेकर के 1-8 ये जिला पंचायत के अंदर में पड़ता है, तो प्राथमिक विद्यालयों का विकास, उन बच्चों के साथ इंट्रैक्शन, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों ने कैसा पढ़ाया, एजुकेशन क्वालिटी और वो तमाम वो सुविधाएं, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पोशाक वितरण है, MDM है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, छात्रवृत्ति है, तो इन सब की जानकारी माननीय मुखिया के साथ साझा करना और उनके का हस्तक्षेप में नहीं कहूंगी, उनका सामुदायिक भागीदारी स्कूलों में हो, SMC की बैठकों में आए और प्रत्येक शनिवार को हमारे कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में। कहने का मतलब है कि विद्यालय के सर्वांगीण विकास में माननीय मुखिया जी का ये भागीदारी हो और वो विद्यालय के हित के बारे में सोचे। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आयुष्मान भारत पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। कोडरमा जिले में भी आज इसकी शुरुआत की गई। लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देने के लिए जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने जागरूकता रथ रवाना किया। इस मौके पर सिविल सर्जन अनिल कुमार और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बोकारो जिले में प्रशासन और रेलवे ने आज तलगड़िया रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए धनगढ़ी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बताया गया है कि यह जमीन बोकारो स्टील की ओर से अधिग्रहित की गई थी। रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए बोकारो स्टील ने ही जमीन रेलवे को हस्तांतरित की है। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक की। इस दौरान जिला अनुबद्ध निधि के माध्यम से हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को फिलहाल जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ गया। आज उनकी जमानत याचिका पर रांची ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने ईडी को एक सप्ताह का समय दिया है। अभी इस मामले पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार के सहयोग से आकांक्षी जिला खूंटी में विकास की रफ्तार बढ़ाने और ग्रामीण आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न आयामों में प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आकांक्षी जिला खूंटी में लगातार विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिरहू के प्रशिक्षण केंद्र में जिले के विभिन्न इलाकों से आए ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक अतुल कीड़ो का कहना है कि मत्स्य पालन के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार की जा सकती है। कहीं पे आप बात बोलने में हिचकिचाहट होते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और खुद अपने से कार्य को कैसे कर सकते हैं। मतलब स्वरोजगार वगैरह सब हम लोगों को मिलेगा खुद पे उद्यमी पालन से। आपके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों में भी सरकार की इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों की जानकारियां दी जा रही हैं। जो भी ट्रीटमेंट का आवश्यकता होगा मैडम हम वो बता रहे हैं अभी, है ना। और जैसे जो बेसिक है जैसे उसका पीएच चेक करना, उसका प्लांटन चेक करना, वो सब को हम इन लोग को बताना है और ये लोग भी अपने जाके तालाब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे। प्रशिक्षुओं का सपना है कि वे हुनरमंद बनकर मत्स्य पालन के जरिए साल में लाखों की आमदनी करें और आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बने। मछली पालन करेंगे और अच्छे से करेंगे, जैसे अभी और अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो अब हम लोग का वो जो कमी था वो दूर हो रहा है धीरे धीरे। क्या लक्ष्य आप बन? खूंटी ही नहीं पूरे राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण है कि प्रदेश में मछली पालन के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन पर विभिन्न स्कूलों से गैस सिलेंडर, मध्यान्ह भोजन और मोटर पंप चोरी करने का आरोप है। अपराधियों के पास से चोरी के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना से देश के लाखों बेरोजगार हाथों को काम और उनके काम का उचित दाम भी मिलने लगा है। रांची में सीसीएल के सीएसआर फंड से स्थापित सेवा भारती कौशल विकास केंद्र में भी सैकड़ों युवा हुनरमंद बन रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के एक सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले बीरेंद्र उरांव का सपना था कि कैसे भी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को नवीन सूचना तकनीक के फायदे दिला सके। बीरेंद्र का यह सपना अब पूरा होने जा रहा है और यह संभव हो पाया है केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना की बदौलत। आईटी कंप्यूटर सीख के अपना गांव में अपना एक छोटा सा दुकान खोलने का सोचा है। इस कौशल विकास केंद्र में वीरेंद्र की तरह ही सैकड़ों दूसरे युवा भी अपने सपने को पूरा करने की जुगत में हैं। कोई कुशल राजमिस्त्री तो कोई कुशल मोटर मैकेनिक बन रहा है, तो कोई मशरूम उत्पादन और जैविक खेती के गुर सीख रहा है। और ये तो हो गया मेसन का, और इसके अलावा पहले हम प्लम्बर का सीखा हूँ। सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं यहाँ आके मैं मशरूम की खेती और ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग सीख रहा हूँ। केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक गौरव बताते हैं कि यहाँ फिलहाल 207 युवाओं को कुल 9 ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वे कहते हैं कि राज्य के कई जिलों से यहाँ आकर प्रशिक्षण पा चुके युवाओं को हाथों हाथ काम तो मिल ही जाता है, लेकिन ज्यादातर अपना खुद का उद्यम स्थापित करना पसंद करते हैं। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको नाम दिया गया है RTTP। ये बेसिकली रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर अनुसूचित जनजाति जितने भी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है झारखंड में। ये सही है कि देश में बेरोजगारी है, वहीं एक सच यह भी है कि देश में कुशल श्रमिकों की भी भारी कमी है। इन दोनों समस्याओं का एक मिलाजुला हल निकाला है मौजूदा केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना से न सिर्फ बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि देश के छोटे बड़े उद्योगों को कुशल कारीगर भी मिलने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र के पूरब डाड़ मोड़ के पास भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।
पुलिस के अनुसार एजेंट ने ही प्लान बनाकर अपने दो सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम दिया था। लूटकांड में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पलामू, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, गढ़वा और लातेहार में अगले 24 घंटे के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। विधायक भूषण बाड़ा पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में सोनी ने विधायक पर लगे आरोप को नकारते हुए आरोप लगाने वाले रश्मि एक्का और अनूप भारती को कटघरे में खड़ा किया है। सोनी ने कहा कि अनूप और रश्मि ने विधायक भूषण बाड़ा पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। बोकारो जिले की पिंडरजोरा में पुलिस की वर्दी की आड़ में ठगी करने वाले एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि बंगाल झारखंड बॉर्डर पर अवस्थित मिर्गा चेक नाका पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान फर्जी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई। धनबाद जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को लेकर डीसी संदीप सिंह ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और एमओआईसी के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसे प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों तक पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर और बीमार हैं। कोडरमा जिले में साइबर फ्रॉड का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कल आर्मी जवान बनकर साइबर अपराधी ने पैथोलॉजी संचालक के बेटे के बैंक अकाउंट से हजारों रुपए की ठगी कर ली। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हजारीबाग स्थित बीएसएफ मेरू की विजिलेंस टीम ने बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल गेट पर मेडिकल परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी मेडिकल परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों से पास कराने के नाम पर पैसे लेने आए थे। जामताड़ा जिले की सदर थाने से मोटा बालू लदे ट्रक की चोरी का मामला सामने आया है। इस ट्रक को पुलिस हिरासत में रखा गया था। चोरी के बाद ट्रक को बिहार के भागलपुर ले जाने की बात कही जा रही है। ट्रक की बरामदगी के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेक पोस्ट पर आज सुबह एक गैस कटर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को कुचल दिया। इसमें मौके पर ही जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जवान सहदुल अली चेक पोस्ट के पास एक पिकअप वैन को रोककर उसकी जांच कर रहा था। इसी दौरान पीछे से बरही की ओर से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया। जवान गिरिडीह का रहने वाला बताया जा रहा है। रांची के नामकुम थाने में पदस्थापित मुंशी भूषण कुमार को वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने निलंबित कर दिया। उन पर 15,000 घूस मांगने का आरोप है। रांची के ध्रुवा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी के पास रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। जमशेदपुर के मानगो शंकुसाई रोड नंबर 2 के निवासी एक बालक स्वर्णरेखा नदी में डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर मानगो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। जानकारी के अनुसार वह नदी में नहाने के लिए गया था। पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासी हो समुदाय के लोग अब परंपरागत खेलों के दायरे से निकलकर अन्य खेलों में भी दस्तक दे रहे हैं। नुवामुंडी बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु बॉक्सर यादव देवगम इसकी मिसाल हैं। होनहार बॉक्सर यादव देवगम ने 36वें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अंतिम रूप से क्वालिफाई कर लिया है। उनको झारखंड बॉक्सिंग टीम में जगह दी गई है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह आज रांची लौट आए हैं। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके सम्मान में ढोल नगाड़े भी बजाए गए। राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय 22वीं राज्य योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप
शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 450 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का गठन किया जाएगा। गढ़वा जिले के अति फ्लोराइड प्रभावित पंचायत प्रतापपुर में जल जागरूकता के लिए विशेष पहल की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का सहारा लिया जा रहा है। गढ़वा जिले के प्रतापपुर पंचायत में फ्लोराइड युक्त जल किसी अभिशाप से कम नहीं है। यही वजह है कि इससे बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक जल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत से आए सभी जल सहिया और आम जनता को जल गुणवत्ता, जल निगरानी और जल की रख रखाव सहित जल जांच के बारे में विशेष जानकारी दी गई। मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों के बीच जल के जो विभिन्न पैरामीटर हैं, जिनसे बीमारियां होती है, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोरीन, आयरन वगैरह की जानकारी देना था। कार्यशाला में रांची से आए पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतापपुर पंचायत अति फ्लोराइड प्रभावित पंचायत है। इस पंचायत की प्रत्येक घर शुद्ध जल पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। जल के ऊपर हमारा फ्लोराइड जो विषय है, इस पर जन जागरूकता अभियान फैलाना है। हम जान रहे हैं कि ये जो गढ़वा का प्रतापपुर पंचायत है, ये फ्लोराइड प्रभावित पंचायत है और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि हम यहाँ के लोगों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस तरह जल गुणवत्ता पूर्ण पेय शुद्ध पेयजल आपूर्ति कर पाए। गढ़वा जिले की प्रतापपुर पंचायत में फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से कई लोगों को नुकसान हुआ है। लोगों को इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार की ओर से पहल की जा रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए गढ़वा से ब्रिजेंद्र की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्थापित करेगा नया विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार के साथ हुआ करार। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड दौरे के अंतिम दिन कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। दुमका में एसटी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में गरज के साथ छींटे पड़ने का जताया अनुमान।